अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर क्लास आवर टू डेज लेक्चर इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इको सिस्टम के एनर्जी जो है किस तरह से फ्लो करती है किसी भी इकोसिसटम के फूड चेन में द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज़ सोलर एनर्जी एंड दिस सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड बाई प्रोड्यूसर्स एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इट इज़ to primary consumer, then secondary consumer, tertiary consumer, or maybe quaternary consumer, or to decomposers. So the definition is that energy enters into the ecosystem in the form of heat and light from sun. It flows through the different trophic levels of an ecosystem and then radiates back. इनटू टू द आउटर स्पेस कि जो सोलर एनर्जी आती है सूरज से किसी भी इकोसिस्टम में वो किस फॉर्म में होती है रेडिएंट एनर्जी सोलर रेडिएशंस की फॉर्म में होती है और इसके अलावा क्या होती है वो हीट की फॉर्म में होती है लाइट की फॉर्म में होती है यानी जो रेडिएशंस हैं वो या तो हीट जनरेट करती हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस करती हैं अब एको में जब यह एंटर होती है तो फिर प्रोड्यूसर्स इसे कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर जैसे जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और रेस्पिरेशन uh, के प्रोसेस में जब वो एनर्जी ए टी पी की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादातर एनर्जी जो है उसमें से जो फूड सब्सटेंस उन्होंने लिया है उसमें से दोबारा से रेडिएट होके वेस्ट हो जाती है तो जितनी भी सोलर एनर्जी सन से आती है हमारी अर्थ पे उस का सिर्फ़ वन परसेंट जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और नाइन्टी परसेंट तो वैसे ही दोबारा से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके और उसकी रेडिएशन्स दोबारा से स्पेस में चली जाती हैं अब ये डायग्राम देखें इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सोलर एनर्जी आ रही है प्लांट्स पे फाल की अब इस प्लांट्स ने इसका सिर्फ़ वन परसेंट यूज़ किया बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट सोलर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में अब प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स इन्होंने जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज़ की उस का सिर्फ़ टेन परसेंट इन्होंने कंज्यूमर को दिया बाकी इन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर लिया और हीट जनरेट की या अपनी एक्टिविटीज़ में ए टी की फॉर्म में यूज़ की और फिर वो भी रेडिएट होकर एनवायरनमेंट में चलेगी एनवायरनमेंट से स्पेस में ठीक है फिर इसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स इस एनर्जी का टेन परसेंट जो है कंज्यूमर को पास करते हैं कंज्यूमर जो हैं इसको जो प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं इसको डाइजेस्ट करते हैं फिर इसका मेटाबॉलिज्म करते हैं इससे एनर्जी जनरेट करते हैं और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है जो कि वेस्ट हो जाती है और बाकी प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं अब प्लांट्स जो हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो कि अगर प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो डी उन्हें डीकम्पोज करके साल में ऐड कर देते हैं उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके तो अब ये देखें कि जो डीकम्पोज़र्स हैं वो सिर्फ़ कंज्यूमर से वन परसेंट एनर्जी ले रहे हैं सोलर एनर्जी जो आई थी उसका वन परसेंट सन ने दिया सन uh, से जो आई थी उसका वन परसेंट प्रोड्यूसर ने कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस की उसमें से सिर्फ टेन परसेंट जो है वो कंज्यूमर को पास हुई और कंज्यूमर से वन परसेंट जो है वो डी कम्पोजर को पास हुई तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो जो है वो होता है किसी भी इकोसिस्टम में अब नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जिस वक्त प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट हैं अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुए उनके बॉन्ड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो प्लांट्स ने सोलर एनर्जी कैप्चर की थी वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ठीक है अब जितने कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद प्लांट्स ने प्रोड्यूस किए वो सारा जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है फोटोसेंसिस की या प्रोड्यूसर्स की कि उन्होंने उतनी फोटोसेंसिस के प्रोसेस में प्रोडक्शन की है किस चीज़ की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की अब नेक्स्ट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट रेस्पिरेटरी नीड्स विच इज़ द बायोमास ऑफ प्लांट इन द इकोसिस्टम के अब प्लांट्स जो हैं जितनी फोर्ड फूड सिंथेसाइज़ करते हैं या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज़ करते हैं उसमें से कुछ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन से एटीपी टी जनरेट करते हैं और एटीपी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं अब बाकी जो बच जाती है अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ठीक है कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में जितने कार्बोहाइड्रेट सिंथिसाइज़ किए थे उसमें से कुछ जो थे वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर लिए अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए और अपनी रेस्पिरेशन में जो एटीपी जनरेट की वो अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ली तो और फिर बाद में वो हीट की फॉर्म में वेस्ट भी हो गई एनर्जी तो लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स बच गए जो उनके बॉडी में उनकी बॉडी का बायोमास बना रहे हैं और उसको नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो खा सकते हैं एज अ फूड उसको हम क्या कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जितने फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए वो क्या था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जितने प्लांट्स ने उसमें से यूज़ कर लिए अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो उसमें से कम हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से और जो बाकी बच गया जो प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में स्टोर कर लिए या अपना बॉडी का बायोमास बना लिया उन कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में या लिपिड्स में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लिया तो वो क्या होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स होगी अब ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है मैंने पहले भी आप लोगों को डायग्राम दिखाई है कि सोलर एनर्जी का सिर्फ वन परसेंट जो है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट वेस्ट हो जाती है फिर जो है बाकी जो एनर्जी बचती है वो नेक्स्ट प्लांट जो है फोटोसेंसिस में यूज़ करते हैं और उसका सिर्फ़ एटी टू नाइन्टी परसेंट जो है वो प्लांट्स जो है लूज़ कर देते हैं और सिर्फ़ ट्वेंटी टू टेन परसेंट जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पास करते हैं लेकिन किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी है उसकी डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती कि हर इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं एज अ प्रोड्यूसर नेक्स्ट इज़ द पायरामिड ऑफ़ एनर्जी ट्रांसफ़र इन कम्यूनिटी जब हम एनर्जी के ट्रांसफ़र को अगर ड्रा करें तो एक पायरामिड की शेप आएगी कि बेस पे जो प्रोड्यूसर लेवल है फूड चेन का उस लेवल पे एनर्जी ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी कम होती जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी पास होती है फूड चेन के थ्रू वो उससे कम होती है तो जैसे जैसे फूड चेन की लेंथ बढ़ती जाती है एनर्जी जो है उस लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कम अवेलेबल होती है तो अब ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है कि एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम टेन लैक विच इज़ इक्वल टू वन मिलियन किलो कैलरीज ऑफ सनलाइट पर ईयर पर मीटर स्केयर ठीक है अगर सोलर एनर्जी जो है किसी इकोसिस्टम में एक साल में एक मीटर स्क्यर पे फाल कर रही है वन मिलियन किलो कैलरीज वन मिलियन कैल किलो कैलरीज कितने के बराबर होते हैं टेन लाख के बराबर अब इस टेन लाख या वन मिलियन किलो कैलरीज जो सोलर एनर्जी हमारी अर्थ पे आई है उसमें से सिर्फ़ क्या है टेन थाउजेंड किलो कैलरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं यानी प्लांट्स को सिर्फ इसका वन परसेंट अवेलेबल है अब यहाँ पे देखें प्लांट्स को क्या खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास ऑपर दिखाया हुआ है तो ग्रास ऑफर को सिर्फ टेन थाउजेंड में से वन थाउजेंड किलो कैलरीज पर ईयर पास हुई हैं और ग्रास ऑपर को अगर रेड खाता है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है तो इसको जो टोटल सोलर एनर्जी आई है उसका सिर्फ हंड्रेड किलो कैलरीज पास होंगी और अगर रेड को स्नैक खाता है तो उसे सिर्फ टेन किलो कैलरीज अवेलेबल होंगी औरिजिनली कितनी थी जो सूरज से एनर्जी आई थी वो कितनी थी टेन लैख किलो कैलरीज एक साल में एक मीटर स्केयर पे आई थी हमारी अर्थ के उसमें से प्लांट्स ने कितनी यूज़ की टेन थाउजेंड प्लांट्स ने आगे जो एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की फॉर्म में पास की वो क्या है थाउजेंड किलो कैलरीज पर मीटर स्केयर पर ईयर फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जो एनर्जी पास हुई है एक साल में वो कितनी थी हंड्रेड किलो कैलरीज़ पर मीटर स्केयर पर ईयर और ट्रश्री कंज्यूमर तक जाते जाते ये सिर्फ टेन किलो कैलरीज पर मीटर स्केयर पर ईयर रह गई जैसे जैसे फूड चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी जो अपर लेवल के लिंक हैं या फिर पायरामिड में जो टॉप पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनको कम एनर्जी अवेलेबल होगी एज़ कम्पेयर टू द दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एट द बेस ऑफ पैरामिड नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ़ फूड चेन कि फूड चेन जो है उसकी एफिशिएंसी कैसे होती है कौन सी वाली फूड चेन ज़्यादा एफिशिएंट होती है कौन सी फूड चेन जो है वो अपने अंदर जो उसके लिंक्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और कौन सी कम द फूड चेन ऑफ टू और थ्री ट्रॉफिक लेवल स्पोर्ट आ कम्यूनिटी मोर एफिशेंटली देन लॉन्ग चेन ऑफ़ फ़ाइव लिंक्स ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो पाँच फूड लिंक्स ही होते हैं किसी भी फूड चेन में तब तो उन्होंने कहा कि जो फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही वो अपने जो ट्रॉफ़िक लेवल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी और जितनी वो फूड चेन लंबी होती जाएगी उतनी ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कम पास होगी जैसे कि डायग्राम में आप लोगों ने देखा था ना प्रोड्यूसर जो थे प्लांट्स टेन थाउजेंड किलो कैलरीज उसने सोलर एनर्जी जो कि वन लैख सॉरी टेन लैख किलो कैलरीज सोलर एनर्जी फाल की हमारी अर्थ पे उसमें से सिर्फ प्रोड्यूसर्स को कितनी अवेलेबल थी टेन थाउजेंड किलो कैलरीज पर मीटर स्केयर पर ईयर के एक साल में एक मीटर पे जितने प्लांट्स ग्रो किए उन्होंने टेन थाउजेंड किलो कैलरीज जो थी वो यूज़ की सोलर एनर्जी की अब प्रोड्यूसर से जो एनर्जी पास हुई है नेक्स्ट लेवल पे वो क्या थी कंज्यूमर को पास हुई है और वो सिर्फ थाउजेंड किलो कैलरीज पर मीटर स्केयर पर ईयर पास हुई है तो सेकेंड लेवल पर जो है एनर्जी कम हो गई अब इससे नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल आया थर्ड जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें सिर्फ कितनी अवेलेबल है एनर्जी जो रेट दिखाया है उसको हंड्रेड किलो कैलरीज पर मीटर स्केयर पर ईयर तो अब नेक्स्ट जो लेवल आया ट्रॉफिक लेवल जो कि ट्रश्री कंज्यूमर का था उसे सिर्फ टेन किलो कैलरीज़ पर मीटर स्केयर पर ईयर अवेलेबल है कि एक साल में इसको तरशी तो लेवल पे एनर्जी जो है वो टेन किलो कैलरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अवेलेबल होती है तो इसका क्या मतलब है कि अगर फूड चेन छोटी होगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी अपने ट्रॉफिक लेवल को फूड चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी उसके ट्रैफिक ट्रॉफिक लेवल्स को एनर्जी कम अवेलेबल होगी तो इसलिए जो एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम है जिसमें पॉपुलेशन जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेती हैं प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर या सेकेंडरी लेवल तक तो उनकी फूड चें जो हैं वो छोटी होती हैं फूड चेन लंबी होंगी तो एनर्जी कम अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम टू डेज लेक्चर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क